हेलो 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 दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रितिक जीमेड की एक और ब्रांड न्यू क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और YouTube के सभी पूरी फैमिली का मैं स्वागत करता हूं बच्चा रीजनिंग की एक और ब्रांड न्यू क्लास में, ठीक है ना, जहां हम लोग समझेंगे कि डाटा सफिशिएंसी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग आज यूट्यूब की क्लास में कवर करने वाले हैं और जो PYQs होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बच्चा प्रैक्टिस करेंगे और डाटा सफिशिएंसी को समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से हम लोग इनको रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चा, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जीमेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो सिर्फ ALP और आपके टेक्नीशियन के लिए पूर्णतः समर्पित है, ठीक है ना। देखिए बच्चा, जो जीमेड ऐप है आप अपने प्ले स्टोर पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के साथ साथ आप देखेंगे पेंसिल वाला लोगो दिखाई देगा आपको, वही जीमेड ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यू इंटरफेस दिखाई देगा आपको, पेड कोर्सेस, यूट्यूब क्लासेस, लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, पेड ई बुक्स और माई डाउट। और ये जो नीचे सेक्शन रहेगा आपका, ये किसका रहेगा, होम का। लाइव क्लासेस यहाँ दिखेंगी, जिसकी भी लाइव क्लासेस हो रही होंगी, सहयोग सर की हो रही है, ऋतिक सर की हो रही है, वो सारी यहाँ दिखेंगी कौन सी लाइव आने वाली है, ठीक है ना। माई परचेज में क्या रहेगा आपका, जो भी बैच आपने परचेस किया वो रहेगा। और डाउनलोड्स में आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा सेक्शन आपका रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या आपको कोई सुझाव देना है, तो ये बच्चों हमारा नंबर यहाँ पे अलॉट किया गया है। जो भी केयर टीम है ना, ये पूरा का पूरा आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ आ सकते हैं। अभिषेक डे जी, पेंटा ऋषभ जी, पिंटू पटेल जी, ठीक है ना। फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है बच्चा संडे के दिन, है ना, जो कि 10 AM से 10 PM के बीच में आपकी कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि ये भाई यहां पे इस डिब्बे में या कह सकते हैं इस इंजन में आपको जगह बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। पूरी टीम इसीलिए डेडिकेटेड है कि आपकी इस डिब्बे में जगह बन जाए, इस इंजन में जगह बन जाए, ठीक है ना बच्चा। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, कैसे करना होगा, यहाँ पे जाना है भाई साहब, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है और OTP डाल देना है। उसके बाद आपको इस प्रोसेस को करने के बाद जो पहला स्टेप आ जाएगा भाई, वहां पे आप देखेंगे कि ये पेड कोर्सेज खुल जाएंगे आपके। पेड कोर्सेज खुलने के बाद आप देखेंगे कि अगर पेड कोर्सेज जो भी परचेज करना है आपको, उस पे एक प्रोमो कोड चल रहा होगा, वो प्रोमो कोड लगाना है और प्रोमो कोड को अप्लाई कर देना है और पे ऑनलाइन कर देना है, ठीक है ना। चलिए बच्चा, कोई नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट एरर हुआ था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बता रहा था कि यहाँ से प्ले स्पीड को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास अगर समय का अभाव है तो 1.5x में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से आप आगे की ओर जो भी टेस्ट पैटर्न है वो आपका इस तरीके से रहेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर के उसके बाद एक्यूमुलेशन से आपका देखा जाएगा कि किस तरीके से आपने क्या स्कोर किया हुआ है, ठीक है ना। देखो बच्चा, जो मेरे लिए एक ऑफर बना है उस ऑफर को मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप अभी जाके बैच को परचेज करते हैं, जो 2499 का बैच है आपका, ड्रीम ALP बैच है, कंप्लीट कोर्स है जिसमें CBT 1, CBT 2, साइको, ट्रेड थ्योरी सब कुछ मिल रहा है ना बच्चा। उसको अगर अभी जाके परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप उस बैच को ले सकते हैं। हमारा कोड यूज करना है WAG40। WAG40 अगर कोड को यूज करते हैं आप, इस प्रोमो कोड के यूज करते ही अप्लाई करते पे आपको क्या हो जाएगा, ये 1499 में सिर्फ आपको बैच मिल जाएगा। तो ये 1499 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, जाके बच्चा बहुत जल्दी से परचेस कर सकते हैं आप लोग बैच को, ठीक है ना। बाकी का सारी चीजों को यहीं पे रोकते हैं और आज सीधा क्लास पे ध्यान देते हैं। जो चैप्टर शुरू करने वाले बच्चा, वो कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है हमारा, वो होने वाला है डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर, ठीक है ना। डाटा सफिशिएंसी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कुणाल वशक, रतन लाल जी, कामता प्रसाद जी, अभिषेक डे जी, सारी चीजों को बच्चा क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझना कि अगर डाटा सफिशिएंसी आपके सामने वर्ड आ रहा ना, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी का मतलब ही क्या हुआ, आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता। यानी कि यहां पे आपको क्या देखना है कि आंकड़े पर्याप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, कुछ आंकड़े दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा आंकड़ा आपके आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या पर्याप्त है। इस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बच्चा यहां पे जो क्वेश्चन करने की अप्रोच होगी, कई बच्चे क्या करते हैं आंसर निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमको आंसर नहीं निकालना है। कामसा प्रसाद जी, संजीव जी, क्या करना है बच्चा, आंसर निकालने का प्रयत्न नहीं करना है। हमें यह देखना है, क्या देखना है, हमें यह देखना है कि क्या हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, आंसर प्राप्त नहीं करना है हमको, हमको बस ये देखना है कि क्या प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। आज ऐप पे क्लास नहीं हुई बच्चा, ऐप पे भी हो जाएगी शुरू, कंटिन्यू हो जाएगी। कामता प्रसाद जी, आज थोड़ा सा समय का अभाव हुआ है इसलिए टेंशन नहीं लेनी है उस चीज की, ठीक है ना। संजीव जी, कामता प्रसाद जी, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है सर यूट्यूब पे भी आइए, यूट्यूब पे भी आइए, इसीलिए बच्चा यूट्यूब पे अपन आ गए, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लेते हैं भाई साहब। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों ही बच्चे, जरा ध्यान से देखना। लिखा इन विच ईयर वाज राहुल बोर्न, राहुल किस सन में पैदा हुआ है। तो स्टेटमेंट कह रहा राहुल एट प्रेजेंट 25 इयर्स यंगर टू हिज मदर, जो प्रेजेंट में 25 इयर्स क्या है अपनी मां से छोटा है। और कह रहा राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 या 1964 में, जो राहुल का भाई है उसका जन्म हुआ है और वो क्या है भाई मेरे, वो 35 साल छोटा है अपनी मां से। राहुल का भाई कितना 35 साल छोटा है, ये 25 साल छोटे हैं। तो अपन को क्या करना है भाई, हिंदी में देख लेना, यही बात बोल रहा है। राहुल का जन्म किस साल में हुआ, राहुल के फिलहाल अपनी मां से 25 साल छोटे हैं। 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी मां से 35 साल छोटे हैं। तो आपको यह देखना है कि जो ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, सवाल पूछा है कि राहुल का जन्म किस साल में हुआ है, यह पहले कथन से या दूसरे कथन से, किस वाले कथन से मैं इसका आंसर दे सकता हूं। यदि पहले कथन से अकेले आंसर दे सकता हूं, दूसरा से नहीं दे सकता हूं, तो ऑप्शन ए लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड वाले से दे सकता हूं और फर्स्ट वाले से अकेले नहीं दे सकता, सेकंड से अकेले दे सकता हूं, तो ऑप्शन बी लगाऊंगा। और फर्स्ट से भी अकेले आंसर दे सकता हूं, सेकंड से भी अकेले आंसर दे सकता हूं, तो ऑप्शन सी लगाऊंगा। आइदर का केस, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ओके, अगर बच्चा दोनों से ही मेरे को पता नहीं चल रहा है कि राहुल का जन्म किस साल में हुआ है, तो आंसर क्या लगाएंगे अपन, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। और भाई थोड़ा सा हेल्प पहली वाले कर रहा है और थोड़ा सा हेल्प दूसरा वाला कर रहा है, दोनों की हेल्प से मेरे को आंसर मिल रहा है ना, तो बच्चा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। सर टीसीएस का मिक्स क्वेश्चन करवाइए ना, बिल्कुल करवाएंगे बच्चा। सबसे पहले कुछ चीजें जी देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चा, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। क्यों होती है प्रॉब्लम, इसका रीजन यही होता है कि इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका हो सकता है नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन किसी भी और सब्जेक्ट से भी आ सकता है, मैथ से भी आ सकता है ना। तो उसके बस आंकड़े बताने होते हैं आपको। लाइक यहां पे क्या आ रहा है, एज रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने बच्चा इस चैप्टर को इसलिए पुट किया है, इसमें कई सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी, है ना। मिथिलेश कुमार जी कह रहे हैं सर ई होना चाहिए बच्चा, चलो समझ लेते हैं। राहुल का जन्म किस साल में हुआ, भैया कह रहा है कि पहला वाला जो बात कह रहा है वो कह रहा है राहुल फिलहाल अपनी मां से 25 साल छोटे हैं, ठीक है भाई, मां से कितने हैं 25 साल छोटे हैं, ये मां से 25 साल छोटे हैं। मैं कहीं रख देता हूं मां को, मां मेरी मां, ठीक है। और 1964 में इनका भाई जो है ना, वो राहुल के भाई वो 1964 में पैदा हुए हैं और वो 35 साल छोटे हैं। कितने साल, 1964 में हुए हैं, वो 35 साल छोटा है, यानी कि जो भाई है ना वो राहुल से भी छोटा है। कितना, राहुल से भी छोटा है वो भाई, ठीक है ना। अब भाई मैं पहले वाले डाटा को और दूसरे वाले डाटा दोनों को लेता हूं, तो मैं देखूंगा भाई 35 साल छोटा है और ये 25 साल छोटा है, तो भैया ये भाई से कितना बड़ा होगा, राहुल 10 साल बड़ा होगा, भाई से 10 साल बड़ा, राहुल कितना होगा 10 साल बड़ा होगा भाई से, ठीक है ना। अब भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1964 है मेरे भाई, 1964 अगर भाई की डेट ऑफ बर्थ है तो इसकी क्या होनी चाहिए थी, 10 साल बड़ा है तो माइनस में होने चाहिए थे 10, है ना, यानी कि 10 साल पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि 1954 होनी चाहिए। राहुल की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1954, जो कि 1954 मेरे को कहां से मिल रहा है मेरे भाई, मेरे भाई वो मुझे पहले और दूसरे दोनों की हेल्प से आंसर मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई ही हमारा सही और सटीक जवाब होने वाला है मेरे भाई। कामता प्रसाद, ओके, सुनील कुमार, ओके मेरे भाई, ठीक है। हेलो सर जय भीम, आपने बताया नहीं पर आपके लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा भाई दिनेश गौतम, ठीक है ना, चलो आज से भाई बताया नहीं लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आज से हम लोग YouTube पे मिलेंगे, ठीक है ना। ओके गौतम जी, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है क्या रहा है, 10 खम्भों का कुल वजन कितना होगा, प्रत्येक का वजन समान होगा। यहाँ वजन का क्वेश्चन आ गया है और कह रहा है 10 खम्भों का वजन निकालना है आपको, और प्रत्येक का वजन क्या है, इक्वल है, समान है। हर खम्भे का वजन क्या है, समान है। पहला कह रहा है प्रत्येक खम्भे का 1/4 वजन 5 किलो है। हर खम्भे का जो वजन है ना उसका 1/4 कितना है, 1/4 5 kg है। दूसरा कह रहा है 3 खम्भों का कुल वजन 2 खम्भों के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान से देख लें कि सर इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ द सेम वेट एंड द स्टेटमेंट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपसे 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, 1/4 जो वेट है हर आपके पोल का वो 5 kg है। द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स का वेट कितना है 20 है किलोग्राम इज मोर देन टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स के वेट से जो 3 पोल्स का वेट है वो 20 किलो अधिक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यू हैव टू आंसर इट, फर्स्ट सफिशिएंट होगा, सेकंड सफिशिएंट होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा और बहुत होगा। क्या आंसर होने वाला बच्चा, रैपिडली आंसर करेंगे। अदिति राज हेलो, कैसे हैं, बढ़िया तो है ना अदिति राज, सुनील कुमार जी, ठीक है ना। देखो बच्चा सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं आपके वो सभी अपनी ओरिजिनल आईडी से आए, ओरिजिनल आईडी से आएंगे, इससे क्या होगा कि मैं उससे इंटरेक्ट हो पाऊंगा, समझ पाऊंगा, ठीक है ना। ओके रणधीर कुमार जी कह रहे हैं सर सी होना चाहिए। ओके रणधीर कुमार, आइदर होगा। ओके अगर दोनों ही अकेले अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है तो आइदर होना चाहिए। सुनील कुमार जी कह रहे हैं ई, बच्चा सुनील कुमार ई नहीं होने वाला, समझ लेते हैं चीजों को, ठीक है ना। कह रहा 10 खम्भों का कुल वजन कितना होगा, भाई साहब 10 खम्भों की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं पहले वाले में लिखा है प्रत्येक खम्भे का 1/4 वजन 5 किलो है। एक खम्भे का कह रहा है ना, एक खम्भा है जो उसका 1/4 कितना है 5 किलो है। अगर 1/4 5 किलो है ना मेरे भाई तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा सर 20 kg। एक खम्भे का कितना होगा, एक खम्भे का सर 20 kg होगा। अगर एक खम्भे का 20 kg होगा तो कितने का पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 200 kg हो रहा है सर। लेकिन सब मुझे सिर्फ अकेले इससे आंसर मिल गया है पहले वाले से, ठीक है। अच्छा इससे मिल गया, दूसरे से नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। अगर दूसरे से भी मिल जाएगा आंसर अकेले तो आइदर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 3 खम्भों का कुल वजन 2 खम्भों के, कह रहा है 1 2 3, 3 खम्भों का जो वजन है वो वजन 2 खम्भों के वजन से कितना ज्यादा है मेरे भाई, कितना ज्यादा है 2 खम्भों से सर कह रहा है ज्यादा है 20 kg, कितना 20 kg, यानी कि जो ज्यादा है इसमें खम्भे कितने ज्यादा हैं, एक खम्भा ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक खम्भे का वजन 20 kg हो रहा है, ठीक है। अब यहां भी वही बात कह रहा है कि अगर एक खम्भे का वजन 20 kg तो 10 खम्भों का वजन कितना हो जाएगा भाई, 10 खम्भों का वजन हो जाएगा 200 kg। और यानी कि सेकंड वाला भी अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब पहला भी अकेले उत्तर देने को पर्याप्त होता है दूसरा भी अकेले उत्तर देने को पर्याप्त होता है। सोलंकी जी, प्रणाम सोलंकी जी, कैसे हैं। तो भाई तो आंसर क्या लगाते हैं अपन लोग, आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइदर वाला, या तो फर्स्ट या तो सेकंड विल बी सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर रैपिडली चलते हैं भाई, साफ साफ देखिए क्वेश्चन लिखा है एम के कितने बच्चे हैं। कह रहा एच एक्स की इकलौती पुत्री है जो एम की पत्नी है, एच एक्स की इकलौती पुत्री है जो एम की पत्नी है, के और जे एम के भाई हैं। यू हैव टू आंसर इट। मैं आपको 20-30 सेकंड का, 20 से 25 सेकंड का टाइम देता हूं और होप करता हूं आप लोग आंसर कर लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से देख लें। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एन। हु किसके लिए लगता है, हु इज फॉर सेकंड पर्सन, यानी कि एक्स के लिए लग रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। हु या जो है ना वो किसके लिए लगता है, मैं बच्चा बता चुका हूं, सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन होता है, जैसे कि मैंने बोला ए बी के दाएं है जो या हु, ठीक है ना, जो सी के बाएं है, जो सी के बाएं है, ठीक है ना। अब ये जो लगा है ना ये किसके लिए लगा है, फर्स्ट पर्सन का मतलब जो स्टार्टिंग में आया, सेकंड पर्सन का मतलब जो बाद में आया, जो का मतलब बी के लिए, यानी कि कह रहा है बी सी के बाएं है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। ओके चलिए भाई करते हैं इसको, समय देता हूं मैं आपको, जल्दी से करेंगे। दिनेश गौतम, सोलंकी जी, क्या आंसर आने वाला बच्चा, ए ए ए। सर थोड़ा स्लो समझाओ, ठीक है बच्चा, स्लो स्लो चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ बच्चा। कह रहा भाई एम के कितने बच्चे हैं, एम को भैया अगर हमने यहां रख लिया, चलो ठीक है ना। पूछ रहा है एम के कितने बच्चे हैं। जब भी अपन लोग ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं ना बच्चे, अपन लोग प्लस से डिनोट करते हैं किसको, मेल को और माइनस से डिनोट करते हैं फीमेल को, और जो भी नीचे की जनरेशन होती है हमारे बच्चे भतीजे भांजे इनको नीचे की जनरेशन्स में ले जाते हैं, और जो हमसे ऊपर की जनरेशन्स में होते हैं फादर चाचा ताऊ ताया है ना दादी बुआ फूफा ये सब जो भी रहेंगे ना वो ऊपर की जनरेशन में अपने चले जाते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है एम के कितने बच्चे हैं ये बताना है मेरे को, तो कह रहा है एच एक्स की इकलौती बेटी है, ठीक है भाई एच को एक्स की इकलौती बेटी बना दिया अपन ने, एच को बेटी बना दिया किसकी एक्स की, एक्स की इकलौती बेटी, मैं बेटी लिख दे रहा हूं यहां पे, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। जो एम की पत्नी है, जो किसके लिए लगा होगा एक्स के लिए, एक्स किसकी पत्नी है एम की पत्नी है मेरे भाई, एम की पत्नी, ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, एम की पत्नी हो गई एम पति हो गए, लो भाई एम अपने आप ही पति हो जाएंगे, इनका जेंडर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पूछा था एम के कितने बच्चे हैं, यहाँ तो अभी एक ही बच्चा पता चल रहा है, लेकिन इकलौती पुत्री है, पुत्र के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब कह रहा है के और जे एम के भाई हैं, क्या कह रहा है के और जे जो है ना वो एम के भाई हैं, एम के भाई कौन है के और जे, के आएगा और एक जे आएगा, वो एम के भाई हो रहे, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने भाई बना दिया। अब पूछा क्या था एम के कितने बच्चे हैं, इन्होंने बोला था कि एच जो है ना वो एक्स की इकलौती बेटी है, इस प्रकार एच जो है वो एम की भी बेटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं एक एक होगा, नहीं एक नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे बच्चा, क्योंकि हो सकता है एम के लड़के भी हों, इन्होंने इकलौती बेटी कहा है, पुत्र तो हो सकता है ना, और पुत्र तो हो सकते हैं, इसीलिए बच्चा ना ही पहले से ना ही दूसरे से, दोनों से ही मुझे इस आंसर की प्राप्ति नहीं होगी जो मुझे चाहिए सवाल में। एम के कितने बच्चे हैं, एम का एक बच्चा तो मुझे पता चल रहा है, एक चिल्ड्रन क्या है एच है जो कि इकलौती बेटी है। अब बेटी तो इकलौती है, बेटा भी तो हो सकते हैं, है ना, इसीलिए बच्चा आंसर ए नहीं लगाएंगे हम लोग, आंसर क्या लगाएंगे, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड विल बी योर आंसर। ओके समझिएगा मेरी बात को बच्चा, ठीक है ना। ओके दिनेश गौतम आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चा, ई आंसर नहीं होगा, बोला के और जे एम के भाई हैं, एम के भाई है ना वो के और जे, ठीक है ना। और एम क्या हो रहा था, एम इनका पिता हो रहा था एच का, और एम के बच्चे पूछे जा रहे थे, एम का बच्चा एक लड़की दिख रही है बस, वो भी इकलौती, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब लड़के हो भी सकते हैं और लड़के हो सकते हैं, इसका मतलब मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे हम लोग, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड विल बी द सफिशिएंट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कंपनी की कुल बिक्री कितनी है, कंपनी की बिक्री के बारे में बात कर रहा है। इकलौती जगह दो होता है सर जी, इकलौती का मतलब समझ सकते हो बच्चा, इकलौती बेटी बोला है ना रणधीर कुमार, अब इकलौती बेटी है तो बेटी तो एक ही होगी, लेकिन लड़का तो हो सकता है ना, बेटा तो हो सकता है ना, और बेटे का कोई जिक्र नहीं किया गया कि बेटा होगा या नहीं होगा, तो हम लोग मान के चलेंगे हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को सही आंसर की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंपनी की कुल बिक्री कितनी थी, कंपनी की टोटल आपकी सेल के बारे में कह रहा है बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। कह रहा है कंपनी के उत्पाद ए की 8000 इकाइयां बेची, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है 25 रुपीस है, ठीक है ना। इस कंपनी की कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं है, कह रहा और कोई उत्पाद नहीं बेचते, उत्पाद लाइन का मतलब यह कोई और प्रोडक्ट नहीं बेचती, इसकी कोई और प्रोडक्ट लाइन नहीं है, ठीक है ना। आंसर करना बच्चा, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से देख लें। हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी एंड द स्टेटमेंट इज द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ईच कॉस्टिंग ऑफ ₹25 एंड द सेकंड वन सेइंग इज दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। ओके ओके बच्चा, ठीक है, तो यू हैव टू आंसर इट। आंसर क्या होना चाहिए, अगर पहला वाला सफिशिएंट है तो ए करेंगे, सिर्फ दूसरा सफिशिएंट है तो दूसरा कर देंगे, और दोनों ही अपने आप में सफिशिएंट हैं तो आइदर लगा देंगे, दोनों से ही आंसर नहीं मिल रहा है तो नाइदर लगा देंगे, और दोनों की हेल्प से मिल रहा है, पहले की थोड़ी सी हेल्प दूसरे की थोड़ी सी हेल्प, और हमें आंसर की प्राप्ति हो रही है बच्चा, तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। आ जाओ भाई, ए लगा रहे हैं सर, कह रहे हैं ए आंसर होना चाहिए। अच्छा कामता यादव जी कह रहे हैं सर आप यदि इतने ही जुनून से पढ़ाएंगे तो एलपी का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं, टेंशन नहीं लो कामता जी, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या कह रहा है। हाय विकास बोराज जी, कैसे हैं रणधीर कुमार जी। ई ओके बच्चा, देखो देखते हैं लिखा है कंपनी की कुल बिक्री कितनी थी, टोटल सेल पूछ रहा है कंपनी की, ठीक है भाई। तो कह रहा है कंपनी ने उत्पाद ए की, ए प्रोडक्ट है उसके पास, एक प्रोडक्ट ए है, ए का मतलब उसके पास अगर वो एयर कूलर या एयर कंडीशनर बेचता है, एयर कंडीशनर बेचता है, एसी बेचता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ए को मैं एसी मान लेता हूं, ठीक है ना। उसकी 8000 यूनिट्स बेचे हैं उसने। कितने बेचे हैं? 8000 यूनिट्स बेचे हैं। और हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज पर यूनिट है, 25 रुपीज पर यूनिट। अगर 25 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 का 0 ये जोड़ देंगे, यानी कि उसने 2 लाख की सेल करी है। कितनी करी है? 2 लाख की सेल। किससे करी है? सिर्फ प्रोडक्ट ए से की है। अब भाई साहब टोटल कंपनी की बिक्री पूछ रहा है, तो हमें लगता है अगर ए प्रोडक्ट है तो बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट है ना। लेकिन दूसरे वाले में कह रहा नहीं, इस कंपनी की कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं है, यानी कि बस ए ही प्रोडक्ट बेचती है, बस एसी की ही कंपनी है, एसी के अलावा ये कंपनी किसी और की चीज नहीं बेचती है, ठीक है ना। अब मेरे को दूसरे से पता चल गया, इसका मतलब अगर ये यही बेचती है तो टोटल जो सेल होगी वो कितनी होगी? 2 लाख होगी। अब 2 लाख सेल होगी तो ये आंसर मैंने निकाला, लेकिन ये आंसर निकालने की कोई जरूरत थी क्या वास्तव में? वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि मुझे बस इतना देखना था कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, बस ये देखना था, आंसर निकालना नहीं था मेरे को, है ना। तो भाई मेरे को इसकी और इसकी दोनों की हेल्प से आंसर मिला है, और दोनों की हेल्प से मिला है तो अपन लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, क्योंकि पहले ने थोड़ी हेल्प की, दूसरे ने थोड़ी हेल्प की। पहले ने बताया इतने यूनिट ए के बिके हैं, दूसरे ने बताया ए के अलावा हम कुछ नहीं बेचते, बी और सी प्रोडक्ट हम नहीं बेचते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, सो वी कैन फ्लिप द क्वेश्चन राइट नाउ। अगर बच्चा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही ना, किसी बच्चे को छोटी सी भी कोई समस्या आ रही ना, तुरंत मेंशन करना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी आगे जाके कैंसर ले लेंगी वो, और वो कैंसर सही नहीं होगा एग्जाम तक, ठीक है ना बच्चा। ओके करते हैं, लिखा है मार्च 2006 का अंतिम रविवार किस दिन को पड़ा था, ठीक है ना। 2006 का जो लास्ट संडे है वो कह रहा किस तारीख को पड़ने वाला था भाई साहब, तो कथन कह रहा उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा था, और दूसरा कह रहा उस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार था, ठीक है भाई ओके। कह रहा द लास्ट संडे ऑफ द मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट एंड द स्टेटमेंट इज द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ फेल ऑन 5th एंड द सेकंड वन सेइंग इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ वाज फ्राइडे, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फर्स्ट सफिशिएंट, सेकंड सफिशिएंट, आइदर सफिशिएंट, नाइदर सफिशिएंट, और both sufficient will be your answer. What will your answer? जल्दी से करेंगे, make haste, hurry up. Okay बच्चा, समय की कीमत को समझते हुए जल्दी से आंसर को करना है बच्चा, ठीक है ना। ए रणधीर कुमार कह रहे हैं ए, अभिषेक तिवारी कह रहे हैं ई, रणधीर कुमार ए कह रहे हैं। अच्छा रणधीर जी चीजों को समझते चलते हैं, ठीक है ना। कह रहा मार्च 2006 का अंतिम रविवार कब था? 2006 में जो मार्च था उसका लास्ट संडे कब पड़ रहा था, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है भाई 31 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। अरे भैया अगर आपको यही पूछना है तो सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते हो, टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों पूछ रहे हो? ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछोगे मैं भी रीजनिंग पढ़ता हूँ, मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो कह रहा है उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा था। अच्छा भैया अगर आपने कहा 5 तारीख को पहला संडे पड़ रहा है, तो भैया मैंने एक चैप्टर का नाम होता है कैलेंडर, ठीक है ना, वो कैलेंडर मैंने पढ़ा है ऋतिक सर से, ठीक है। अच्छा तो ऋतिक सर से पढ़ा है तो क्या कर लोगे भाई? तो मैं सर 31 तारीख का दिन बता सकता हूँ या लास्ट दिन बता सकता हूँ। कैसे बता सकते हो? तो ऋतिक सर ने बताया था कि 5 के बाद जब भी 7 दिन जुड़ते हैं ना तो वही दिन रिपीट होता है, ठीक है ना। अब कब रिपीट होना चाहिए भाई साहब? 5 7 कितना हो गया? 12 तारीख को। 12 तारीख को फिर से संडे आएगा सर, और 12 को आएगा तो 12 और 7 फिर से जुड़ जाएंगे, और 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19 को फिर से सर संडे आ जाएगा। 19 के बाद और 7 अगर जोड़ देने हैं तो सर कब? 26। 26 को भी क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। 26 के बाद देखो कितने दिन हो रहे हैं भैया? 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब संडे से भी हम लोग 5 दिन चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्राइडे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। संडे से अगर इस 26 तारीख से 5 दिन आगे जाते हैं 31 तक पहुंचेंगे तो क्या आएगा? फ्राइडे आ जाएगा मेरे प्रभु। और ये फ्राइडे मुझे सिर्फ इस वाले कथन से मिल रहा है, पहले वाले कथन से मिल रहा है मेरे भाई, है ना। अगर मिल रहा है तो भाई ये अभी तो अकेला सफिशिएंट है, फिर हम लोग दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सर ये चैप्टर हार्ड तो है पर हमारे हौसले से नहीं है हार्ड, ठीक है ना बच्चे। इस चैप्टर को पिक करने का यही एक औचित्य था कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपका ब्लड रिलेशन भी कवर हो जाएगा, आपका कैलेंडर भी कवर हो जाएगा, आपका डायरेक्शन भी कवर हो जाएगा, आपका रैंकिंग ऑर्डर भी कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और उनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में सीखते चलेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को बच्चा पिक किया है मैंने, ठीक है ना। ओके, फिर कह रहा बच्चा दूसरे वाले में बोल रहा है कि उस महीने का आखिरी दिन क्या है, शुक्रवार है। आखिरी दिन ही तो पूछा है मेरे भाई, अंतिम दिन ही तो पूछा है। तो दूसरे वाले ने तो भाई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया है, यानी कि भाई ये भी अकेला आंसर दे रहा है, ये भी अकेला आंसर दे रहा है। अब जब दोनों ही अकेले अकेले आंसर दे रहे हैं तो अपन आंसर क्या लगाते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइदर या तो पहले ही आंसर दे देगा या तो दूसरे ही आंसर दे देगा, यानी कि या तो पहले ही पर्याप्त है या तो दूसरे ही पर्याप्त है। आइदर फर्स्ट सफिशिएंट और सेकेंड सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, होप करता हूं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी बच्चा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो भाई, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कूट भाषा में स्काई के लिए क्या कूट शब्द है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग्स दिए गए हैं और कोडिंग में पूछ रहा है कि स्काई के लिए क्या बना है। तो भाई लिखा है कूट भाषा में स्काई इज क्लियर को डेराफा लिखते हैं। ओके भाई क्या दिक्कत है, डेराफा लिख दो चाहे बेराफा लिख दो, कुछ भी लिख दो मैं कर दूंगा। फिर कह रहा है मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर को क्या लिख रहा है, डेगा जो लिख रहा है, डेगा जो लिख दिया, ठीक है भाई, ठीक है। तो अपन को निकालना है किसका, स्काई का निकालना है। तो देखते हैं बच्चा कौन कौन स्काई का आंसर निकाल पाता है, कौन कौन नहीं निकाल पाता है, ठीक है ना। ओके बच्चा, कल से ध्यान रखना सभी बच्चे इसी करंट टाइम पे अवेलेबल मिलने चाहिए, ठीक है ना। कोई बच्चा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मत जाना, मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है बच्चा, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से देख लें, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर इज रिटन एज डीराफा, ओके, एंड इन द सेम लैंग्वेज मेक इट क्लियर इज रिटन एज डीगाजो। सो What will be the answer? First, second, either, neither, both. Rapidly answer करेंगे बच्चा। सर D होगा। ओके, क्या बात है, D आंसर होना चाहिए। अच्छा, ओके। गम का काम खत्म, दिनेश गौतम, दिनेश गौतम, वाह क्या नाम लिखा है दिनेश गौतम, वाह शानदार, क्या ही बात है। आंसर आ रहा बच्चा, रणधीर कह रहे हैं डी आ रहा है सर। अच्छा रणधीर, लगे रहो मेरे वीर, आ जाओ भाई, करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बोला कूट भाषा में स्काई के लिए क्या होगा, तो भाई लिखा है डी राफा, डी लिख दिया, रा लिख दिया, फा लिख दिया, इसके लिए क्या बोल दिया भैया, इसको कह दिया है स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर, ओके क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला कह रहा है डी गाजो, डी गाजो, और इसको क्या कह दिया है, इसको कह दिया मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर। अब एक चीज देखना मेरे भाई, यहां पे डी और यहां पे डी ये कॉमन है। अगर यहां पे कोडिंग कॉमन है तो इनके वर्ड्स भी कॉमन होने चाहिए। अब इनमें वर्ड्स क्या कॉमन है, देखो क्लियर कॉमन है भैया, यहां भी क्लियर कॉमन है और यहां भी क्लियर कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, स्काई का चाहिए। तो भाई स्काई के लिए अब यहां पे कोई भी वर्ड हो सकता है, रा भी हो सकता है, फा भी हो सकता है। कोई क्लियर मिल रहा है क्या मेरे को, नहीं मिल रहा है। तो भाई ना पहले की हेल्प से ना दूसरे की हेल्प से, दोनों ने अपनी जी जान लगा दी, दोनों ही कथनों ने, लेकिन वो आंसर नहीं निकाल पाए। आंसर क्या आ रहा है, अभी सस्पेंस में आ रहा है, या तो रा आएगा या तो फा आएगा, है ना। इसीलिए बच्चा ये दोनों ही आंसर नहीं निकाल पाए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को अपन आंसर करेंगे करेंगे। ओके मेरे भाई, सर ये सवाल हाँ हो सकता है बच्चा, ठीक है ना, हो सकता है दिनेश गौतम जी कराए हो, ठीक है ना। ओके, मिथिलेश जी कह रहे हैं डी, ओके बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। दिनेश गौतम, लो भाई कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने बच्चे बैठे हैं, पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं ये बताना है आपको, ठीक है ना। जल्दी से करेंगे, क्या आंसर आने वाला है। कह रहा है पहला वाला कथन, पी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है, क्यू ठीक मध्य में और उसके दाहिनी ओर 10 बच्चे बैठे। ओके ओके, क्या दिक्कत है भाई, किसका क्वेश्चन आ गया, समझ गए ना भाई साहब, रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। अब भाई रैंकिंग गिरा आगे, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, कहीं ब्लड रिलेशन बना, कहीं आपका रैंकिंग बन रहा है, कहीं आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा है, कहीं आपका कह सकते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन बन रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को करना है बच्चा, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से देख लें क्या लिखा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन द रो ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज पी इज 15th from the left in the row and the second one saying is Q is exactly in the middle and there are 10 children toward his right. Okay? Okay मेरे भाई रणधीर जल्दी से करेंगे, आपको जगह देता हूं मैं थोड़ी सी। क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं डी होना चाहिए, दीपक कुमार कह रहे हैं डी होना चाहिए, रणधीर कह रहे हैं ई होना चाहिए, कामता यादव जी कह रहे हैं सी होना चाहिए सर। ओके कामता यादव जी क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत तेजी में जा रहे हो। चलो भाई समझ लेते हैं चीज़ों को। लेट्स मेक सम प्लेस। आओ भाई ओके, देखिए बच्चा क्या हो रहा है। कह रहा बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। कह रहा एक साइड पी होगा और यहाँ क्यू होगा, तो पी और क्यू के बीच में अपन को बच्चे निकालने हैं मेरे प्रभु, ठीक है। तो इसने पहली वाली बात कही, पी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पे है। पी जो है ना वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे बैठा है, 15th नंबर पे बैठा है, 15th नंबर पे बैठा है। यहाँ से यहाँ तक की जगह ये है ना, ये कितने हैं 15 लोग बैठे हैं यहाँ से यहाँ तक। मैं लिख के बना दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है भाई 15 लोग बैठे हैं। और कह रहा है क्यू ठीक मध्य में है और उसके दाहिनी ओर 10 बच्चे हैं। अब एक चीज समझना भाई, कोई अगर मिड में बैठा होगा और उसके राइट में 10 बच्चे होंगे तो लेफ्ट में भी 10 बच्चे होने चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात। अगर वो मिड में है तो अगर राइट में 10 हैं तो लेफ्ट में भी 10 होने चाहिए। अब कह रहा है पंक्ति के मिड में बैठा है, मिड में बैठा है और लेफ्ट में 10 हैं, तो राइट में 10 हैं तो लेफ्ट में भी 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या बिठाएंगे हम लोग, 10 के बाद क्यू को बिठाएंगे मेरे भाई। और क्यू यहाँ बैठा है तो 10 इस साइड भी होंगे मेरे भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या पूछा था कि भाई पी और क्यू के बीच में बच्चे कितने हैं। पहली वाली ने बोला था पी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पे है। क्या इस वाले से आंसर मिल रहा था? नहीं, क्योंकि क्यू की बात ही नहीं की। लेकिन दूसरे ने बोला क्यू ठीक मध्य में बैठा है, मिड में बैठा दिया हमने, और उसके राइट में 10 बच्चे हैं। राइट में 10 हैं तो लेफ्ट में भी सर 10 होने चाहिए, लेफ्ट में भी 10 हैं राइट में भी 10 हो गए। अब पूछा था उसने कि पी और क्यू के बीच में बच्चे कितने हैं, तो पी और क्यू के बीच में ये 3 बच्चे आ रहे हैं ना मेरे भाई। कितने आ रहे हैं, 3 बच्चे। और ये 3 बच्चों का आंसर मेरे को कैसे मिला, जब थोड़ी सी हेल्प पहले ने की, थोड़ी सी हेल्प दूसरे की। इट मींस आंसर क्या होना चाहिए, आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई ही आपका सही सटीक और जबरदस्त आंसर होने वाला है। होप करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ओके बच्चा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टी के से कैसे संबंधित है। भाई साहब किसका क्वेश्चन आ गया है, बीआर का क्वेश्चन आ गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। क्या आ गया है, ब्लड रिलेशन का। यू हैव टू सॉल्व इट जल्दी से। क्या आंसर आने वाला बच्चा, कामता जी, अभिषेक कुमार तिवारी, तिवारी जी सब पे भारी, मिथिलेश कुमार ई। क्या आंसर आने वाला भाई, टी के से कैसे संबंधित है। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली यह है, के की तरफ से लगा है, जिसकी तरफ बच्चा से लगा होता है या जिसके साथ टू लगा होता है वो क्या है, वो बोलता है। वो क्या है, वो रिलेशन में बोलता है। और जिसके साथ ऑफ लगा होता है या जिसके साथ का लगा होता है उसको बोला जाता है। ये चीज़ कंसीडर करके चलना मेरे दोस्त, ठीक है ना, समझ लेना। यहाँ पे बहुत गलत होता है कि सर रिलेशन तो मेरे को मिल गया लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मम्मी है तो बेटा बोलेगा, मम्मी बेटे वो बेटा बोलेंगे या बेटा मम्मी बोलेगा, मम्मी और बेटा में से क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई जिसके साथ टू या से लगाए वो बोलता है, और जिसके साथ मोहम्मद आदिल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मोहम्मद आदिल, दिख नहीं रहे थे आप बहुत टाइम से, ठीक है ना बच्चा। और जिसके साथ ऑफ लगा है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। ओके बच्चा, सर गुलशन सर से बात करा दो प्लीज़। ओके बच्चा, एक्चुअली हाँ मेरे पास भी बच्चा ऐसा कोई उनके अवेलेबल नंबर, वो भैया अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, सर भी अपना नंबर अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं, ऐसे कैसे किस को अवेलेबल करवाएंगे बच्चा, है ना। ठीक है, समझिए आप बात को, मूव ऑन करना सीखे, चीज़ों को, चीज़ें जो भी होती हैं ना बेहतर होती चली जाती हैं, इसकी टेंशन मत लो भाई। मिस्टर 21 ठीक है ना, रणधीर कुमार डी। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चा, ठीक है ना। आओ क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन, है ना। ओके, कह रहा है टी के से कैसे संबंधित है। ओके भाई, और टी और के का जिक्र कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहली लाइन, एक चीज ये समझ लेना कि भाई जब भी ब्लड रिलेशन होगा तो ये ऐसे रिलेशन बनते हैं। कैसे, जैसे बोला आर की बहन जे, टी के भाई एल से शादी की है जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। अब भाई यहां पे सिर्फ टी का जिक्र है पहले वाले में, के का जिक्र नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली ये अकेला आंसर नहीं दे सकता है, के का जिक्र ही नहीं है, है ना। दूसरे में बोला है के, यहां पे टी का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब ये भी डेफिनेटली अकेला आंसर नहीं दे सकता है। और लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे एल और जे का जिक्र किया गया है और यहाँ भी जे और एल का जिक्र किया गया है, यानी कि ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक कर रहे होंगे, और लिंक कर रहे होंगे तो दोनों मिला के आंसर देंगे। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न ही नहीं करना है बच्चा, है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं। बोला आर की बहन जे ने, जो आर की बहन है जे आर की बहन जे ने टी के भाई एल से शादी की है। जे ने किससे शादी की है, जे ने शादी की है टी के भाई एल से। टी का कोई भाई है एल, कौन है एल, और एल से शादी की है, और एल इनके क्या हो गए, एल जे के पति हो गए, ठीक है ना, और टी के भाई हो गए। टी के भाई लेकिन एल जे के पति, ठीक है भाई। अब मेरे को इससे और बोला है कि जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, कौन एल, एल अगर पुत्र है तो टी क्या हो गई, पुत्री हो गई, क्योंकि ये भाई है इनके तो ये बहन हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये हो गई इनकी बहन, यहाँ से हो गई बहन, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, ओके है भाई। अब कह रहा है के एल और जे की इकलौती पुत्री है। के जो है ना वो एल और जे दोनों की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो के को क्या बना दिया, पुत्री बना दिया भैया, क्या बना दिया, पुत्री, ठीक है ना। अब पूछा क्या था, टी के से कैसे संबंधित है, के की तरफ से लगा था, तो के एल को क्या बोलेंगे, एल को बोलेंगे पप्पा, और पप्पा की ये कौन है, बहन, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पापा की बहन या आंट या बुआ जी, क्या बोलेंगे, बुआ जी। और ये बुआ जी आंसर कैसे आ रहा है भाई, पहले की और दूसरे की दोनों की हेल्प से आ रहा है। अगर दोनों की हेल्प से ही मेरे को आंसर मिल रहा है बुआ जी, तो ऑप्शन नंबर ई की तरफ अपन शिफ्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, होप करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सर ई फॉर एलिफेंट, ओके ठीक है भाई, ई फॉर जो आप भेज रहे हो वो इमोजी। चलो भाई आगे, कह रहा है जे पी से किस प्रकार से संबंधित है। जे का पी से, ये भी भाई बीआर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, उससे इजी है ये। कह रहा भाई जे पी से कैसे संबंधित है, तो लिखा है एम पी का भाई है और टी पी की बहन है, तो भाई यहाँ पे कहीं जे का जिक्र ही नहीं किया गया। फिर कह रहा पी की माँ का विवाह जे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बात है, क्या लिखा है कि पी की माँ का विवाह जे के पति के साथ हुआ है, ठीक है, जे के पति से हुआ है जिसका एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। क्या बात, क्या ही बात लिखी है, वाह, क्या गजब का ट्रिगर करने वाली बात लिखी है बच्चा, है ना। देखिए बच्चा, मिस्टर 21 स्टेटस मैं आपको मेंशन करता हूँ, जो भी नंबर दिए ना बच्चा वहाँ नंबर्स पे जाके आप कॉल करिए, है ना, ठीक है। जो भी आपका इशू है वहाँ पे रिजॉल्व कराइए बच्चा, ये यहाँ पे कमेंट करने से कोई इशू नहीं है, मैं इशू को इसको रिजॉल्व कर नहीं सकता हूँ, है ना। ओके मिस्टर 21 स्टेटस, ओके बच्चा, ठीक है ना, समझो चीज़ों को। ओके, अदिति राज ई आंसर कर रहे हैं, अभिषेक कुमार डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना, मैच्योर बच्चे हो आप लोग, ठीक है, समझो इन चीज़ों को। ठीक, चलिए क्या आंसर आने वाला बच्चा, डी आंसर लगा रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं डी आएगा, भाई आ ही नहीं रहा है आंसर। अच्छा अभिषेक, चलो भाई अभिषेक समझ लेते हैं। कह रहा है जे पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी की तरफ से लगा है और जे को क्या बोलने वाली है, ठीक है। तो पहला कह रहा है एम पी का भाई है, लो भाई एम को पी का भाई बना देते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कह रहा है और टी पी की बहन है, टी जो है ना वो पी की बहन बना देते हैं, टी को, लो भाई बहन बना दी, क्या दिक्कत है। क्या मुझे पता चल रहा है जे और पी का रिलेशन, जे और पी का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है बेटी की मां का विवाह जे के पति से हुआ है। क्या बोला? पी की मां का विवाह जे के पति से। पी की जो मम्मी होंगी उनका विवाह जे के पति से हुआ है। अरे भाई पी की मम्मी ही जे होंगी, क्योंकि दो बीवियां तो होंगी नहीं, दो बीवियों का यहाँ जिक्र नहीं है भाई, ठीक है ना। बोला पी की मां का विवाह जे के पति से हुआ है, यानी कि पी की जो माँ है वही जे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, इन तीनों की अम्मी जान जो है ना वो कौन है? जे हैं, जे। ये कहना चाह रहा है वो, सीधी सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है। जिसका एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं, अब दो पुत्रियां हैं एक पुत्र है, तो एक पुत्र तो एम हो गया, पुत्री कौन हो जाएगी? एक पी, क्योंकि दो पुत्रियां हैं तो पी पुत्री हो जाएगी और टी फिर से पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। अब अगर ये पूछ रहा था कि जे पी से कैसे संबंधित है, तो जो जे पी से किस प्रकार संबंधित होगा? पी की तरफ से लगा है, माँ के रूप में संबंधित होगा। क्या? माँ, माँ बोला जाएगा इनको और माँ बोला जाएगा। ये आंसर मेरे को बच्चा दोनों से ही मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही मिल रहा है। सर डी फोर देवसेना, बड़े हंस रहे हो, डी आंसर नहीं आ रहा है, गम खत्म। दिनेश गौतम, क्या आंसर आ रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प से मम्मी जी आंसर आ रहा है, और मम्मी जी आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर ई के साथ शिफ्ट होंगे हम लोग। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई आंसर होना चाहिए, बी नहीं होगा बच्चा। फिर से समझ लेना चीज़ों को। बोला है जेपी से किस प्रकार संबंधित है, बोला था एमपी का भाई है, पी का भाई एम बना दिया, और टी पी की बहन है बना दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। पी की माँ का विवाह जे के पति से हुआ था, पी की माँ का विवाह जे का पति, पी की माँ ही जे होंगी। कौन होंगी? पी की माँ ही जे होंगी, यहाँ ट्रिगर नहीं होना है। जिसका एक पुत्र और दो पुत्रियाँ, एक पुत्र तो एम हो गया, दो पुत्रियाँ, दो यही बचे थे, तो एक पुत्री पी हो जाएगी और एक टी हो जाएगी, ठीक है ना। अब बोला था जे पी से किस प्रकार संबंधित, पी की तरफ से लगा था, और पी की तरफ से अगर से लगाया जे को क्या बोलेगी? माँ बोलेगी, और माँ विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, समझ गए? रणधीर कुमार कह रहे हैं समझ गए, बहुत बढ़िया, क्या ही बात है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे आते हैं बच्चा, अगला क्या कह रहा है अपन से? अगला कह रहा है कि एक्स वाई से कैसे संबंधित है। जो एक्स है ना बच्चा, वो वाई से किस प्रकार से संबंध रखता है, ठीक है ना। करते हैं क्या होने वाला बच्चा, वाई और जेड डी के बच्चे हैं जो एक्स की पत्नी है, ठीक है। आर की बहन एक्स वाई के पिता से विवाहित है, ठीक है ना। जल्दी से आंसर करते हैं, 30 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। इंग्लिश में देख लेना, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई स्टेटमेंट, वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी हु इज द वाइफ ऑफ एक्स, एंड द सेकंड वन सेइंग इज आर इज सिस्टर्स, एक्स इज मैरिड टू द वाइज फादर। ओके, ठीक है बच्चा, करते हैं, तेजी में करेंगे। क्या आंसर आने वाला है? गौतम कह रहे हैं सर दूसरी लाइन से पूरा घुमा डाला, पूरा घुमा डाला है ना। गौतम मेरे मित्र, चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा एक्स वाई से किस प्रकार से संबंधित है, वाई से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि वाई एक्स को क्या बोलना वाला है, ठीक है। कह रहा वाई और जेड डी के बच्चे हैं, किसके? वाई और जेड किसके बच्चे हैं? ये दोनों डी के बच्चे हैं, ठीक है। और कह रहा है जो एक्स की पत्नी है, डी क्या है? एक्स की पत्नी, यानी कि एक्स इसके क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। पूछा क्या था? एक्स वाई से किस प्रकार रिलेटेड है, वाई की तरफ से लगा था ना मेरे भाई, वाई की तरफ से, तो वाई एक्स को क्या बोलेगा? अपनी मम्मी के पति को क्या बोलते हो आप? मम्मी के पति को तो सर हम पापा कहते हैं। तो भाई आंसर दे दिया ना, सिर्फ पहले वाले ने अकेले आंसर दे दिया है, ठीक है ना। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? आर की बहन एक्स, आर की कोई बहन है, वो है एक्स, ठीक है, एक्स है बहन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख देता हूं मैं, आर की बहन एक्स वाई के पिता से विवाहित है। जो एक्स है वो किससे विवाहित है? वाई के पप्पा से, वाई के पप्पा से, और वाई का कोई पापा होगा उससे ये क्या है? विवाहित हैं। तो ये क्या हो गई वाई की, एक्स वाई की फिर से माँ बन गई। क्या बन गई? माँ बन गई। यानी कि ये भी अकेला आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। जब दोनों ही अकेले अकेले आंसर देने के लिए सफिशिएंट हो रहे हैं बच्चा, तो ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा ना मेरे प्रभु। ई क्यों लगा रहे हो? जब ये भी अकेला आंसर दे सकता है, ये भी अकेला आंसर दे सकता है, तो ई नहीं लगाते हैं। तब हम आंसर लगाते हैं सी, यानी कि या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, यानी कि दोनों ही में से एक पिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अकेले अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है। मेरी बात समझना बच्चा, जब दोनों की हेल्प से आंसर आता है तभी लगाते हैं, और जब दोनों ही अकेले अकेले आंसर देने के लिए सफिशिएंट होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर लगाते हैं। तो कई बच्चे ई लगा रहे हैं, ई अदिति राज आंसर नहीं होगा। हाँ, ई नहीं होगा, सी होगा। ओके बच्चा, ठीक है ना। रिसर्च कोचिंग सेंटर धर्मेंद्र कुमार, खुश रहो। क्या लिख रहा भाई, है ठीक है ना बच्चा। सर आप सर पाप देख लेख लिया आपने। क्या लिख रहे हो भाई? पापा लिख दिया। अच्छा अच्छा पाप यहाँ, अरे वाह यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत देखते हो यार, है ना। चलो भाई आगे आते हैं। लिखा है भाई 5 व्यक्ति हैं PQRST, उत्तर की ओर मुख करके उन्मुख होकर P के ठीक दाएं कौन बैठा हो। उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। पूछ रहा है P के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, P के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है। एंड द कथन इज R Q के बाएं तीसरे स्थान पर और P R के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एंड द सेकेंड वन सेइंग इज Q T के ठीक बाएं है जो P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बच्चा? हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P अमंग 5 persons, PQRS and T facing north, and the statement first is R is third to the left of Q and P second to the right of R, and the second one says Q is to the immediate left of T, who is second to the right of P. What will be the right answer of your question? You have to answer it बच्चा। तेजी में आंसर करेंगे कामता प्रसाद जी, सुनील जी, मिथिलेश कुमार जी, जल्दी से करेंगे आंसर बच्चा, ठीक है ना। ओके दिख रहा ना, सारी चीजें विजिबल है ना। ओके जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर करा। अभिषेक कुमार, कामता प्रसाद, सुनील जी, मिथिलेश कुमार, आते हैं बच्चा। रिसर्च कोचिंग सेंटर धर्मेंद्र कह रहे हैं ऋषिका कहाँ है बच्चा? अपने घर पे है ऋषिका, धर्मेंद्र कुमार अपने घर पे है। क्या ही बातें कर रहे हो, ठीक है। चलो चलिए बच्चा समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं PQRST, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और कह रहा P के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो कह रहा R Q के बाएं तीसरे स्थान पे, Q के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, आर यहां बैठा है लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे, ठीक है क्यू के। और क्या कह रहा है? और पी आर के दाएं दूसरे स्थान पे, पी जो है ना वो आर के राइट भाई सेकंड प्लेस पे, पहला दूसरा, यहाँ पी बैठा हुआ, ये कहना चाह रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी यहाँ बैठा है तो क्या बन रहा है? P एंड Q बन रहा है, ठीक है ना। अब भाई पूछा क्या था? P के ठीक दाएं कौन है, तो P के ठीक दाएं क्या मिल रहा है भाई? Q मिल रहा है, यानी कि मुझे जो आंसर है वो इस वाले से अकेले अकेले मिल रहा है अभी, ठीक है अकेले मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं सेकंड वाले में ये अकेले दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, लिखा है Q T के ठीक बाएं है, T के ठीक लेफ्ट में Q बैठा है, जस्ट लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में Q बैठा हुआ है, बैठा देते हैं। कह रहा है जो P के दाएं दूसरे स्थान पे, जो किसके लिए लगता है? T के लिए, जो कि P के दाएं दूसरे स्थान पे, P के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? T बैठा है, 1 2 बैठा दिया भाई। अब पूछा क्या था? पूछा था P के दाएं कौन बैठा है, P के दाएं यहां भी मिल रहा है, कौन बैठा है? Q बैठा है, यानी कि सेकंड वाला भी अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, और सफिशिएंट है अगर आंसर देने के लिए तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक है ना। ये आपका रही क्या लिख रहे हो भाई? धर्मेंद्र सर ए फॉर इंडियन रेलवे, तो ए आंसर नहीं होने वाला बच्चा। आंसर क्या होने वाला है? आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही सटीक जवाब होने वाला है, ठीक है ना बच्चा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म किस महीने की किस तारीख को हुआ। किस महीने में भी पूछ रहा है और किस तारीख को भी पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर करता है। इसका जवाब आपको एक मैथ के क्वेश्चन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान दें। कह रहा ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वाज अंजलि बॉर्न इन फरवरी 2008 एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट सेइंग इज अंजलि वाज बॉर्न ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ एंड द सेकंड वन सेइंग अंजलिज बर्थ डेट वाज ए प्राइम नंबर. अंजलि का जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्राइम नंबर है आपका, तो फर्स्ट सफिशिएंट होगा, सेकंड होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा, बोथ होगा, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर करेंगे जल्दी से. जयंत सिसोदिया, रणधीर कुमार. ओके बच्चा, सर ऐप में आज क्लास, आज बच्चा शेड्यूल नहीं बन पाया है, ठीक है ना, हम लोग ऑनलाइन आए हैं, ऐप में क्लास होगी, उसकी टेंशन नहीं लो. अक्षय फारदे जी है ना, ओके ठीक है ना बच्चा, उसकी टेंशन को दूर कर दो. चलिए आते हैं, क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म किस तारीख को हुआ है? पहला कह रहा अंजलि का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ है, ठीक है. अब सम तारीख तो बहुत सारी हो सकती है, 2, 4, 6, 8 कोई भी हो सकती है ना. अब भाई मेरे को इससे अकेले आंसर की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना. दूसरा क्या कह रहा है, सर सवाल हो जाता है पर आंसर देने में घूम जाते हैं, प्लीज हेल्प. तो बच्चा समझो, ध्यान से समझना. दिनेश गौतम अगर सिर्फ पहला वाला आंसर दे पा रहा अकेला और दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही तो एक आंसर लगा देना, यानी कि ए लगा देना है. और सिर्फ दूसरा वाला आंसर दे रहा है, पहला वाला अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं तो दूसरा लगा देना है. अब पहले से भी अकेले आंसर मिल रहा है अपन को, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है, और दूसरे से भी अकेले मिल रहा है, पहले की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी को लगाना है. अब भाई दोनों से ही आंसर नहीं मिल रहा है, दोनों की हेल्प से ही नहीं मिल रहा है, और दोनों अकेले अकेले भी नहीं दे पा रहे हैं, तो नाइडर लगा देना है, यानी कि डी ऑप्शन लगा देना है. और थोड़ी सी हेल्प पहले ने की, थोड़ी सी हेल्प दूसरे ने की, तो आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर ई लगाना है, और हमें आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना. अब कह रहा है अंजलि के जन्म महीने की सम तारीख को हुआ है. सम तारीख कई भी हो सकती है, 2, 4, 6 कोई भी हो सकती है, ठीक है ना. फिर कह रहा है अंजलि की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी बहुत सारी है भाई, 3, 5, 7, 11 है ना, ये सारी अभाज्य संख्या है, 17, तो भाई अभाज्य संख्या बहुत सारी हो सकती है. लेकिन जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो यहां पे लिखा है सम तारीख या सम और अभाज्य. तो बच्चा एक नंबर ही एक ऐसा नंबर होता है जो सम और अभाज्य होता है, वो नंबर कौन सा होता है? वो नंबर 2 होता है. इस 2 नंबर को ही एक इकलौती संख्या है जो कि सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, यही एक इकलौती संख्या है. यानी कि फरवरी 2004 में 2 फरवरी 2004 को अंजलि का जन्मदिन होना चाहिए, 2004 को अंजलि का जन्मदिन होना चाहिए. और 2 फरवरी 2004 को अगर अंजलि का जन्मदिन है, मेरे को मिल गया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प से मिला है ना, इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई. तो ऑप्शन नंबर ई ही आपका सही और सटीक जवाब होने वाला है मेरे भाई अदिति राज, रणधीर कुमार, अभिषेक कुमार तिवारी. होप करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है. आगे आता हूँ बच्चा, एक क्वेश्चन और देखते हैं. कह रहा है एक्स वाई से कैसे संबंधित है? कह रहा है एक्स जो है ना वो वाई से कैसे संबंधित है. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है. 30 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को. यू हैव टू आंसर इट, मेक इट फास्ट, मेक हेस्ट. कट गया अक्षय फारदे, फिर से कट गया ना, ऐसे नहीं चलेगा मेरे मित्र. देखो भाई इंग्लिश वाले देख लेना. हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई इन द स्टेटमेंट फर्स्ट सेइंग इज एक्स बाय एक्स सेज आई हैव ओनली वन ब्रदर एंड द सेकंड वन सेइंग इज एक्स सेज आई हैव ओनली वन सिस्टर. ओके, फर्स्ट सफिशिएंट, सेकंड सफिशिएंट, और आइदर सफिशिएंट, नाइदर सफिशिएंट, और बोथ सफिशिएंट. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? ठीक है बच्चा, देखिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को. कह रहा है एक्स भाई से कैसे संबंधित. कह रहा है भाई कहता है मेरा केवल एक भाई है. ओके, भाई कह रहा है कोई मेरा एक भाई है, ठीक है ना. अब भाई का मुझे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहा है एक भाई है. दूसरा कह रहा है एक्स कहता है मेरी एक बहन है. एक्स कह रहा है कि मेरी एक बहन है, लेकिन बच्चा अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक्स और बाई के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया गया है. हो सकता है बाई का बहन जो बहन है वो जेड हो, या एक्स की बहन हो वो कोई और हो, ठीक है ना. कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया इन दोनों में, तो अपन आंसर क्या लगाएंगे? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइदर विल बी सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके, होप करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समय आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चा. कल की क्लास में सभी लोग अवेलेबल मिलेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव होते हुए है, ठीक है. इसलिए क्या करते हैं अपन, चीज़ों को यहीं पर स्टॉप ड्रॉप करते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं अपन जबरदस्त तरीके से बच्चा लोग, ठीक है ना। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेनी है। देखो बच्चा, जो बैच नए लोग आए ना हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए बैच परचेज करना है, उसके लिए बच्चा यहाँ पे अगर आप मेरे कोड से जाएंगे तो सीधा सीधा आपको WAG40 से आपको सिर्फ 1499 में ये बैच मिल जाएगा, जो कि आपका 2499 का बैच है। ड्रीम ALP बैच जो है ना वो कंप्लीट कोर्स के साथ आता है, CBT 1, CBT 2, साइको, ट्रेड थ्योरी, इन सब के साथ आपका ये बैच आपको अवेलेबल होगा। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बच्चा, रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा आपको अपने फ़ोन नंबर डालना है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद OTP आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पेड कोर्सेस में जाना है, बैच पे जाना है, कूपन अप्लाई करके पे ऑनलाइन से किसी भी मेथड से ऑनलाइन पेमेंट कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ माई परचेज में आपको बैच दिखाई देगा आपका। रिकॉर्डेड क्लासेस, प्ले स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएंगी, इन सब के साथ आपको पूरा बैच कंप्लीट पैकेज के साथ मिलेगा। जिस प्रकार से JMeD आपको पूर्णता ALP और टेक्नीशियन के लिए समर्पित मिलेगा, पूरा डेडिकेटेड मिलेगा बच्चा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। बाकी YouTube पे सारी क्लासेस अभी बिल्कुल फ्री चल रही हैं, इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर लें जाके बच्चा, ठीक है ना। और बाकी का आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल के एक और सेशन में जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए मेरा सभी दोस्तों को बाय बाय, शब्बा खैर, राम राम, जय हिंद, जय भारत।